आपने आज तक जमीन से शिवलिंग निकलने वाली घटनाएं जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी जमीन से पूरा का पूरा शिवलिंग निकलने की कहानी सुनी है? वीडियो अंत तक देखना, कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। साल 1997 में खाली पड़ी जमीन में कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स को कोई काला पत्थर दिखाई पड़ता है। लोगों को लगता है वह केवल एक शिवलिंग है, लेकिन वो नंदी की मूर्ति होती है। वहाँ के लोकल नागरिक ASI को इन्फॉर्म करते हैं, जो कि कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाते हैं कि ये मूर्ति करीब 400 साल पुरानी है। ASI की टीम को नंदी के मुंह से एक छेद दिखाई पड़ता है, जहाँ उनके मुख से मिट्टी हटाने के बाद उनके मुंह से पानी निकलने लगता है। जब पानी का सोर्स पता लगाने के लिए खुदाई शुरू होती है, तो पता लगता है कि वहाँ मंदिर का अवशेष है। देखते ही देखते वहाँ देवी देवताओं से घिरे एक बहुत ही सुंदर मंदिर निकल आता है। इसमें एक शिवलिंग भी मिलता है। हैरानी वाली बात यह भी है कि नंदी के मुंह से निकलती हुई जलधारा सीधी जाकर शिवलिंग पर गिरती है, और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि उस जलधारा का सोर्स आज तक कोई पता नहीं कर पाया है, और इस मंदिर को किसने बनाया, कहां से आया ये मंदिर, आज तक किसी को नहीं पता। इस मंदिर का नाम श्री दक्षिणा मुखा नंदी मंदिर है, जो कि कर्नाटक के मलेश्वर में है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं।